सुमित श्रीवास्तव के हत्यारों को फांसी दो के नारे के साथ कैंडल मार्च हरियरगंज में हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। आरबीसी चैनल पर आप सभी का अभिनंदन है। न्यूज के प्रायोजक हैं न्यू पाल मेडिकल हॉल मेन बाजार चपला। भाजयू में नेता सुमित श्रीवास्तव के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी की सजा और न्याय की खातिर बुधवार की शाम दिवंगत नेता के पैतृक आवास से आक्रोश पूर्ण कैंडल सह श्रद्धा अंजलि मार्च निकाला गया, जो मेन रोड और बाजार होते हुए शहर के आरसी लाल चौक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो गई। श्रद्धांजलि सभा में सभी ने चट्टानी एकता दिखाते हुए कहा कि जब तक हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। इसके पहले लोगों ने हाथों में तख्तियां लिए सुमित श्रीवास्तव अमर रहे, हत्यारों को फांसी दो आदि जैसे नारे लगाते दिखे। लोगों ने हत्या की कड़ी निंदा करते हुए दिवंगत नेता और परिवार को न्याय दिलाने पर जोर दिया। कैंडल मार्च में शहर के व्यवसायियों, युवाओं के साथ ही दिवंगत नेता के परिजन भी शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने सूर्यांशु सिंह, चंदन प्रजापति, संजना श्रीवास्तव, काजल सिन्हा, प्रियंका श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, क्रांतिकारी आकाश कुमार, पवन कुमार, गौरव कुमार, अभिषेक आनंद, चिंटू कुमार, निशांत पाठक, मोना सिंह, रजनी कुमारी, अंजनी सीमा इत्यादि के अलावा हजारों लोग की भीड़ देखी गई। हरियरगंज से संवाददाता अखिलेश कुमार के साथ शेख मुजाहिद हुसैन आबादी के साथ बने रहिए आरबीसी चैनल पर। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।